एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि LIC असिस्टेंट के मेंस में अब सिर्फ 1 वीक बचा है। बात करते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे। तो जैसे आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका क्वांट आता है, उस क्वांट के बाद आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक हो जाता है, उसके बाद आपका एक सेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका इंग्लिश होता है, GA होता है। लेकिन इस LIC के मेंस में एक डिफरेंट सेक्शन जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है वो है हिंदी। कुछ लोगों को इस सेक्शन में कंफर्टेबल वो ऑलरेडी होंगे, लेकिन जो नहीं है उनके लिए थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, तो आपको इसमें भी फोकस करने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे इंग्लिश का सेक्शन रहता है, वैसे ही हिंदी का भी लैंग्वेज का सेक्शन रहता है। आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, कट ऑफ मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ठीक है, उतने एटलीस्ट। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में रहेगी, इसके प्री में नहीं थी, लेकिन इसके मेंस में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हर सेक्शन को अप्रोच करने का अलग तरीका होता है। जैसे कि क्वांट में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप इजी क्वेश्चंस को टारगेट करो। इजी टारगेट करोगे अगर आप, तो जितने मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो उतने कर लो, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाना है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें आप मिसलेनियस टॉपिक से जितने ले सकते हो, जितने स्कोर कर सकते हो करो, उसके बाद जाएंगे पजल्स। और पजल्स में भी दो होते हैं, कुछ होते हैं ईजी, कुछ होते हैं डिफिकल्ट। तो आप पहले मेंस का पेपर ऐसा नहीं है कि आपको बस भागना है, आप 2 से 3 मिनट हर सेक्शन को देखने में लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो पजल्स में भी पहले इजी को टारगेट करेंगे, ऐसा ना हो कि आप सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन पे लग जाओ और आपको लास्ट में दिखे कि ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था, बहुत ईजी था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन होता है और हिंदी का सेक्शन, इसमें सबकी अलग अप्रोच है। किसी को लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी है, किसी को लगता है ग्रामर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप अपनी अप्रोच के हिसाब से करो कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। GA के लिए जैसे आपको पता है 1 हफ्ता है, तो आप लास्ट से शुरू कर दो। दिसंबर जो है एटलीस्ट आप 10 से 12 दिसंबर तक तो कवर करो ही करो, उसके बाद उल्टा चलना शुरू कर दो कि पहले दिसंबर करा फिर नवंबर करा, ऐसे पीछे पीछे जाना शुरू कर दो। और आप GA एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में, क्योंकि ये ऐसा है कि आपका इसमें टाइम नहीं वेस्ट होता, आप फटाफट आंसर टिक करते हो अगर आपको आता है। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसके लिए, अब लास्ट के पहले सबसे पहली बात, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे ना इस टाइम पे तो आपका सारा काम खराब हो जाएगा। पेशेंस से काम हैंडल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने टॉपिक्स की रिवीजन करेंगे, टॉपिक्स को रिवाइज करना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी तरफ चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मॉक्स देंगे। अब मॉक्स में भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि जब आप मॉक दे रहे हो ना, ट्राई करो, सपोज आपका पेपर है सुबह 9 से 12, तो रोज़ उठकर इन 7 दिन ना उसी टाइम पे जिस टाइम पे आपका पेपर है घर पे बैठकर सीरियसली मॉक दो 9 से 12। आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चीज़ रियली इफेक्टिव है कि अगर आप ऐसे ही किसी भी टाइम दे रहे हो, किसी भी, वैसे भी दो पूरा दिन ठीक है, आपको प्रैक्टिस ही करनी है एंड में, पर अगर आप उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका पेपर है उस टाइम पे रोज़ मॉक दोगे ना, दिस इज़ रियली गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ जाती है कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है उस टाइम पे। तो बेसिकली ये दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है अच्छी तरह से, क्योंकि यही है अब रिविजन का टाइम। टॉपिक्स कंसेप्ट आप कवर कर ही चुके होंगे अभी तक, और क्लियरली मेंस का पेपर है तो प्री में भी आपने कंसेप्ट्स कवर कर ही लिए होंगे। तो मेंस के लिए आपको बस रिवीजन पे ही फोकस करना है। मेंस के पेपर में एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देना, नेगेटिव मार्किंग है इसमें, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्री में नहीं थी तो बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाए, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे ही कुछ भी तुक्के मार के नहीं आने हैं, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। मेंस में दोनों चीज़ें मैटर करती है, एक्यूरेसी और टाइम दोनों ही मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। आप क्वेश्चंस थोड़े से कम करते हो, थोड़े से ज़्यादा करते हो, लेकिन एक्यूरेट होने चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मत लो आप, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको, मॉक्स, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप हमारे स्टोर पर जाकर LIC असिस्टेंट मेंस की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसको ले सकते हो। इसमें आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिलेगी, 10 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं आपको मेंस के लिए, वैसे 20 मॉक्स हैं, 10 में हिंदी सेक्शन है, 10 विदाउट हिंदी सेक्शन के मॉक्स हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल रहे हैं मेंस के लिए, रीजनिंग क्वार्टर इंग्लिश के अलग अलग, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। बेस्ट चीज़ इनकी ये होती है कि आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि आप बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आप हमारे स्टोर पे देख सकते हो इसका जो शेड्यूल है, कब कब कौन कौन सा मॉक अपलोड होना है। आप इसको जब कार्ट में ऐड करोगे तो आप कूपन कोड लगा सकते हो T111 का। इस कोड को लगाने के बाद आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी ये जो पैक है आपको मिल रहा है प्लान, ये 399 यानी कि 400 रुपीज़ में मिल रहा है, लेकिन जैसे ही कूपन कोड लगाया तो ये 199 का हो गया है।
तो आप अपनी तैयारी अच्छी करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।